समय मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका आज की सुर्खियां खबर। बदहाल पार्कों की स्थिति, पहले सुधारे तब बनाए नया, कहा शंभुनाथ झा। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश, भाजपाइयों का जश्न। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आसनसोल नगर पालिका का नया कदम। देश अग्निशास्त्र के साथ एक युवक गिरफ्तार। ईशियल में 3 दिवसीय हड़ताल का नोटिस दिया सीएमएस ने। चार का यह भाग प्रायोजित आरआईसीआईएस रानीगंज द्वारा। आसनसोल कोल इंडिया में 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा किया गया है। कोयला उद्योग में कार्यरत सभी फेडरेशनों के प्रतिनिधियों ने 5 से 7 अक्टूबर 2023 तक कोयला उद्योग में 3 दिवसीय हड़ताल का फैसला लिया है। इसके आधार पर एटक से संबद्ध कोलियरी मजदूर सभा ने ईशियल सीएमडी को मंगलवार को हड़ताल का नोटिस दिया है। सीएमएस के केंद्रीय सचिव रमेश सिंह ने कहा कि सभी फेडरेशन ने कोयला मजदूरों से आह्वान किया है कि हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी कंपनियों, क्षेत्रों, कोलियरियों से संयुक्त रूप से हड़ताल की तैयारी करना शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि हड़ताल को लेकर मैं 21 और 22 सितंबर को इकाई स्तर पर एवं 3 अक्टूबर को एरिया स्तर पर संयुक्त प्रदर्शन किया जाएगा। श्रमिक संगठनों की मांग है कि कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड एवं सभी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत सभी विभागों के कर्मचारियों, गैर कार्यकारी अधिकारियों के सितंबर माह का वेतन अक्टूबर माह से समय पर और NCWA 11 के अनुसार ही किया जाए। गौरतलब है कि 29 अधिकारियों द्वारा दायर किए गए मामले में जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सितंबर महीने में कोल इंडिया कर्मियों को पुराने वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा। वहीं हाई कोर्ट ने DPE से भी जानकारी मांगी है कि समझौते में DPE गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है या नहीं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टेप इन रेनबो ड्रेसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ किड्स वियर, बस्तीन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, ऑल वेराइटीज ऑफ लेडीज वियर, मेन्स वियर एंड सूट पीसेस आर ऑल्सो अवेलेबल। बस्तीन बाजार, GD रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 03-41-222-1590। रेनबो बिग शॉप। लोकसभा इलेक्शन 2024 की प्रशासनिक तैयारियां शुरू। 1500 से अधिक वोटर वाले बूथ होंगे विभाजित। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। पश्चिम बर्धवान के नए जिला शासक के साथ इस जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सर्वदलीय बैठक की। बैठक में चुनाव सेल प्रभारी मनमोहन भट्टाचार्य, TMC नेता प्रबोध राय, अभिनव मुखर्जी, कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा, प्रेषणजीत पुईतंगी CPM से मनोज दत्ता, तापस मुखर्जी भाजपा और आप के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिन बूथों पर मतदाताओं की संख्या 1500 से ज़्यादा हो जाएगी, उन बूथों को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। 1 नवंबर से नए मतदाता सूची पर काम शुरू होगा। उसमें जिन बूथों पर 1500 से ज़्यादा मतदाता होंगे, उन बूथों को अलग कर 2 बूथ बनाए जाएंगे। वहीं आज की बैठक में नए जिला शासक के सभी दलों के प्रतिनिधियों का परिचय भी हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजनीति के रस्साकशी तो अपनी जगह पर है, लेकिन चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा प्रशासन के साथ हर संभव सहयोग किया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल, 713301। Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea, Shehnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Raja, Sugar, Lakme, Vaseline, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is
9126767709. देशी अग्नि शास्त्र के साथ एक युवक गिरफ्तार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। मंगलवार की शाम सलानपुर थाना अंतर्गत बिहार रोड स्थित हाशी पहाड़ी मैदान में छापेमारी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया और एक को पकड़ने में सफल रही। शख्स का नाम प्रदीप कुमार मंडल, उम्र 30 है। फरार व्यक्ति का नाम विकास कुमार महतो है। वे पुरुलिया जिले के नितुरिया थाना के पारबेलिया इलाके में रहने वाले हैं। हालांकि उनका मूल घर जामताड़ा के कोर माटाहार है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से पुलिस ने एक देशी बंदूक और एक कारतूस बरामद किया है। आरोपी साइबर क्राइम से जुड़ा है, वे इस क्षेत्र में डकैती में शामिल थे। गिरफ्तार प्रदीप कुमार मंडल को बुधवार सुबह आसनसोल कोर्ट ले जाया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার পার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563404288 and 8918940868। आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी दुर्गापुर कार्यालय में आग से नष्ट अपने दस्तावेज की सुरक्षा को लेकर चिंतित है लोग। समाचार का यह भाग प्रायोजित है मोशन द्वारा। आग लगी की घटना में दूसरा फ्लोर राख हो गया है, जबकि ADDA महत्वपूर्ण कार्यालय है जहां AMC सेल है। यहाँ जहाँ MMC के लोगों का कागजात रहता है, वहीं प्लानिंग से लेकर महत्वपूर्ण विभाग है। लोगों का अनुमान है कि उनके कागजात नष्ट हो जाने से समस्या होगी। दुर्गापुर निवासी पीयूष मजूमदार ने कहा कि यह CCTV कैमरा लगा है। आग लगी कोई दुर्घटना है या कोई साजिश, इसकी जांच करनी चाहिए। यहाँ आम जनता का कागजात रहता है। इस विषय पर अध्यक्ष तापस बनर्जी ने कहा कि लोगों को परेशान की जरूरत नहीं, यह सर्वर रूम सुरक्षित है जहां सभी का ऑनलाइन डाटा मौजूद है। वहीं अड्डा राज्य सरकार के 56 विभाग के साथ मिलकर काम करता है, उसे विभाग में भी कागजात है, इस कारण बड़ी कोई समस्या नहीं होगी। वहीं जो अस्थाई कर्मी यहां काम करते उनका विवरण भी हर साल शहरी विकास विभाग को भेज दिया जाता है, इस कारण उन्हें भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। ठेका कर्मियों ने ECL मुख्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित एजुकेशनल हब द्वारा। ठेका श्रमिकों ने संक्टोरिया स्थित ECL मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। मालूम हो कि यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से बोनस की मांग को लेकर है। स्थानीय भाजपा नेता अभिजीत आचार्य ने ठेका श्रमिकों के आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दिन उन्होंने मीडिया से कहा, राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल इंडिया ने अजना प्रोवागल के मुताबिक ठेका कर्मियों के लिए 8.33% बोनस की शुरुआत की है, लेकिन वर्तमान GM अभय कुमार के आदेश पर ठेका कर्मियों का बोनस बंद कर दिया गया है। दरअसल अभय कुमार ने ECL के ठेकेदारों से मिली भगत की थी, इसलिए जब तक संविदा कर्मियों की मांग के अनुरूप बोनस की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो CMD कार्यालय बंद कर दिया जाएगा। प्रदर्शन गेट के बाहर जाकर मुख्यालय का गेट बंद कर दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society, affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games,
transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आसनसोल नगर पालिका का नया कदम। समाचार का यह भाग प्रायोजित एसके इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल नगर निगम ने आसनसोल शहर के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष पहल की है। साथ ही शहर को प्रदूषण नियंत्रण की जरूरत है। जिस तरह एएमसी ने शहर के में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए पहल की है, उसी तरह शहर के अधिकारी भी शहर में मौसम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अनेक पेड़ पौधे लगाकर शहर के वातावरण में ताजगी लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आसनसोल नगर पालिका वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नए कदम उठा रही है। निस्तयान शहर में आया, जिसके जरिए हवा को शुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। निस्तयाने को एएमसी की पहल के तहत शहर में लाया गया है। मशीन पानी की छोटी छोटी बूंदें हवा में फेंक रही है। परिणाम स्वरूप हवा में तैर रहे या विभिन्न विषैले पदार्थों के साथ मिश्रित सभी धूल कण भारी मात्रा में नीचे गिरेंगे। परिणाम स्वरूप हवा इन सभी जहरीले धूल कणों से मुक्त हो जाएगी। शहर की हवा में ताजगी लौटेगी, इसलिए एमसी ने ऐसी पहल की है। शहरवासियों को वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए एमसी के इस अभिनव पहल की शहरवासी सराहना कर रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। आसनसोल मंडल में स्वच्छ स्टेशन दिवस का आयोजन किया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल एक पखवाड़े तक चलने वाला स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम 19/9/2023 को शुरू हुआ है, जो 30/9/2023 तक जारी रहेगा। आसनसोल मंडल में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़ा के एक हिस्से के रूप में स्वच्छ स्टेशन दिवस दूसरा दिन आयोजित किया गया। आसनसोल, दुर्गापुर, मधुपुर, सीतारामपुर, रानीगंज, बड़ाकर, अंडाल और जसीडी स्टेशनों पर सभी खाद्य विक्रेताओं और खाद्य संचालकों द्वारा रेलवे स्टेशन पर अपशिष्ट खाद्य को अलग करने और 50 माइक्रोन से कम क्षमता वाले एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ ली है। स्टेशन प्रबंधकों और अन्य कर्मचारियों की मदद से आसनसोल, दुर्गापुर, वारिया, अंडाल, चितरंजन, विद्यासागर, सीतारामपुर, कुमार दुबी, पानागढ़ और जामतरा स्टेशनों पर गहन सफाई की गई। आसनसोल मंडल के ए श्रेणी स्टेशनों को छोड़कर अन्य स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में स्वतः सड़नशील, बायोडिग्रेडेबल और गैर स्वतः सड़नशील नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। BNM कोचिंग सेंटर, कैंटिंग पारा, सैमबान, बनपुर, अपीयर फ्रॉम बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन, पटना, स्वामी विवेकानंद सुप्रभाती यूनिवर्सिटी, मैरिट यूपी, मैट्रिक एंड एचएस 9732022768 एंड 9732024247। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश, भाजपाइयों का जश्न। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन बिल पेश किए जाने की खुशी में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कल शाम आसनसोल में जश्न मनाया गया। कोर्ट मोड़ के निकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने राहगीरों में मिठाई वितरण किया। इस देश के लिए ऐतिहासिक दिन करार दिया। नए संसद भवन के पहले ही दिन ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाला बिल पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला शक्तिकरण की दिशा में इस बिल को पेश किया और ऐतिहासिक बताया। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट है, जिसमें 82 सीट पर महिलाएं हैं। इस कानून के पास होने के बाद 181 महिलाओं की संख्या हो जाएगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर, आसनसोल। बदहाल पार्कों की स्थिति पहले सुधारें, तब बनाए नया, कहा शंभुनाथ झा।
आसनसोल शहर के विभिन्न हिस्सों में रख रखाव के अभाव में बदहाल पार्कों की स्थिति को लेकर आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा ने आसनसोल नगर निगम का ध्यान आकर्षित करवाया। उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों में पार्कों की बदहाल स्थिति की तस्वीरें मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया। उनका कहना था कि उन्होंने आसनसोल नगर निगम के मेयर को खत इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आजकल शायद नगर निगम के पास जवाब देने के लिए समय नहीं है या जवाब लिखने के लिए कर्मचारियों की कमी हो गई है। उन्होंने आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से लगभग 20 खत लिखा होगा जिसमें कई अच्छे सुझाव थे। उन्होंने लोगों ने कई प्रस्ताव भी दिए जिसका लाभ नगर निगम को ही मिलता लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव में उन लोगों ने कोई पहल ही नहीं की, इसलिए वे मीडिया के माध्यम से ही अपनी बात पहुंचाने की चेष्टा किया। आसनसोल नगर निगम कुछ जगहों पर अतिक्रमणों को हटाकर पार्क बनाने जा रहा है जो आसनसोल के विकास का ही पैसा है। उन्होंने सबसे पहले आसनसोल नगर निगम से जानना चाहते हैं कि राहा लेन मोड़ पर स्थित विश्व बंगाला पार्क एवं गोधुली मोड़ स्थित एवं उषा ग्राम के पास बंद ग्लास कारखाना के सामने जीटी रोड के दोनों तरफ सबसे ज़्यादा खर्च कर बनाए पार्क की आज ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है। पहले पुराने पार्क की स्थिति को ठीक की जाए फिर दूसरे जगह पर पार्क बनाने पर विचार की जाए। ऐसे कई अनगिनत पार्क है जो शहर के सौंदर्य को न बढ़ाकर डेंगू को बढ़ाने में नगर निगम को मदद कर रहे हैं। अब भी समय है नगर निगम को जागने के लिए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय डीके लाल सर यादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। कॉल नाउ 9828224975। व्हाट टू बी अ डॉक्टर होल्ड द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट। रेगुलर क्लासेस 11-12 ऋषि अरविंद नगर बिरला रोड कुलटी पश्चिम बर्धवान वेस्ट बंगाल। लोकसभा चुनाव को टारगेट कर टीएमसी शुरू करेगी अभियान। लोकसभा चुनाव को लक्ष्य कर राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 2024 चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम को नवंबर के अंत में शुरू करने का की तैयारी है। सर्दिया उत्सव का मौसम खत्म होने के बाद ही ब्लॉक ब्लॉक तक अभियान में राज्य सरकार के विकास कार्यक्रम को एक पुस्तक के रूप में तैयार कर प्रत्येक लोकसभा में भेजा जाएगा। इसी तरह विपक्ष के खिलाफ पार्टी के अभियान के दिशा निर्देश भी राज्य तृणमूल द्वारा तय किए जाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने पंचायत स्तर से पार्टी में पारदर्शिता लाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बढ़ने के लिए राज्य भर में चुनाव से पहले नवज्वार यात्रा शुरू की। 51 दिनों तक लगातार चलने वाले इस कार्यक्रम को जहां तक और ब्लॉक से लेकर ब्लॉक तक पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच व्यापक प्रतिक्रिया मिली, वहीं उन्हें विपक्ष के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहाँ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने अखिल भारतीय स्तर पर INDIA गठबंधन बनाने का काम पूरा कर लिया है, लोकसभा चुनाव में पंचायत चुनाव की तरह 100 दिन का काम आवास योजना जैसे बड़े मुद्दे और बंगाल को वंचित करने के आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाना तय है। इसके साथ ही 100 दिनों के बकाया की मांग को लेकर ममता अभिषेक 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर धरने पर बैठेंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। For more details and for advertisement, contact editor 9563830. अब अंत में समय है मूवमेंट के SMS का। द लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द लाइफ बिहाइंड यू। आपके सामने का जीवन आपके पीछे के जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।